प्रोटीन्स का क्या काम है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मेनी बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स. आवर बॉडी नीड्स डाइटरी प्रोटीन टू सप्लाई अमीनो एसिड्स फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एंड टिश्यू. अब इसको मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ज्यादा डॉक्टर लोग नहीं है. हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल्स. सेल्स से हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से बनता है हमारा सर्कुलेटरी या पूरा सिस्टम. सेल्स टिश्यू ऑर्गन सिस्टम. सेल्स एंड टिश्यूज जो होते हैं उसके रख रखाव के लिए, जैसे जितने लोग शहरों में रहते हैं, मुंबई में रहने वाले लोग, आप समझते हो यहाँ पे हमारी जो लोकल ट्रेन चलती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है, आपने देखा होगा उनकी जो रख रखाव के लिए संडेस को मेगा ब्लॉक किया जाता है. सर आज ट्रेन जो है एक घंटे के लिए नहीं चलेगी, मेगा ब्लॉक होता है, आज दूसरी पटरी से जाएगी, इस पटरी का रख रखाव है, मेंटेनेंस. तो प्रोटीन का काम हमारे सेल्स एंड टिश्यूज का मेंटेनेंस, बिकॉज हमारी बॉडी का जड़ जो है सेल, एंड सेल का रख रखाव डेली वेर एंड टेयर होता है, और टिश्यूज भी डेली वेर एंड. यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, ये आपको बहुत काम आएगा, नोट डाउन करिए. जितने भी लोग जो कम सोते हैं उनके सेल्स एंड टिश्यूज रख रखाव में बहुत बड़ी बाधा आती है. नींद इसीलिए जरूरी है. कई बोलते ना सर नींद क्यों जरूरी है, नींद में ही यानी कि व्हेन वी स्लीप हमारी बॉडी सेल्स टिश्यूज का रख रखाव करती है, पूरी तरह से हमारे बॉडी को रिजुविनेट करती है. दैट इज व्हाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेंटेनेंस के सेल्स एंड टिश्यूज के लिए प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में कम रहा, प्रोटीन अगर कम है तो हमारे बॉडी में सेल्स टिश्यूज में बहुत फर्क पड़ जाएगा. तो अगर बार बार फर्क पड़े, यानी कि कहीं ना कहीं प्रोटीन्स की कमी हमारे बॉडी में है. अच्छा, कई लोगों मैंने बोला सर मैं तो प्रोटीन का शेक लेता हूं, मैं तो जिम जाता हूं, मैं तो प्रोटीन. फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल प्रोटीन जो क्या कहते हैं उसमें फैक्ट्री में बनाया गया है, उस पर रिलाय मत करिए. दिस इज योर ड्यूटी. हम आईएमसी वालों की ड्यूटी है बाहर के जो प्रोटीन्स है उसको रेकमेंड मत करिए. मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल प्रोटीन्स की. हमारे घर में सब कुछ अवेलेबल है, खाने से हमको सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन हम बाहर से प्रोटीन शेक्स वगैरह लाते हैं जिसमें अगेन बहुत सारा एडेड शुगर, एडिबल ऑयल्स और बहुत कुछ डाला जाता है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्स. तो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट से जितना हो सके दूरी बना के रखना है और नेचुरल चीजें की तरफ हमको ज्यादा लेके जाना है. अगर हम प्रोटीन की भी बात करते हैं, देयर आर सो मेनी, जैसे हम लोग दाल पीते हैं प्रोटीन्स के लिए, है ना, हम लोग अंडा खाते हैं, अंडा एग व्हाइट जो खाते हैं वो भी प्रोटीन का सोर्स है. तो प्रोटीन के लिए हम लोग हरी सब्जी वगैरह खाते हैं. तो आपको जितना हो सके बाहर के प्रोडक्ट कम रेकमेंड. अगर कोई जिम जा रहा है, जिम वाला आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहले उसको कम करवाना है.